नमस्कार, आज मैं आ पहुंचा हूं एक ऐसे कंपनी में जहां पर लोहे को हार्ड किया जाता है। वैसा लोहा जो तरह तरह के मशीनरी में यूज होता है, जो सॉफ्ट लोहे होते हैं उसको हार्ड किया जाता है। आज मैं उस भट्टी में आ पहुंचा हूं जहां पर हार्ड किया जाता है। और ये देखिए, ये भट्टी है, इसी में हार्ड होता है। और चश्मा लगा लिया हूँ ताकि कुछ पड़े नहीं। सर हैं, इस कंपनी के मालिक यही हैं, ये विष्णु भाई हैं। और अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद के एक कंपनी में हूँ। इस कंपनी में छोटे छोटे पार्ट पुर्जा जो कंपनी के होते हैं, जो चलते रहते हैं, उसको किस तरह से हार्डनेस किया जाता है जो जल्दी ख़राब ना हो, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। पहले ये दिखाइए, ये इधर ये भट्टी है ना? हाँ, ये भट्टी है। ये भट्टी है, और थोड़ा करीब लाइए। ये भट्टी है, और इस भट्टी में जो भी पार्ट पुर्जा होते हैं, आप देखिए इस तरह के पार्ट पुर्जा है, ये सारे पार्ट पुर्जा को इसमें डाला जाता है। और इनसे जानेंगे कि क्या क्या जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। तो सर बताएंगे, और सबसे पहले क्या करते हैं आप इसमें? हम पहले पीछे वाले में पीएटिंग करते हैं। हाँ। और फिर इसमें हार्डनिंग में डालते हैं। हाँ। ये एन सीरीज का भी मटेरियल चल रहा है। हाँ। इसके 880 टेम्परेचर लेंगे। हाँ। 880 टेम्परेचर लेंगे, उसका सोकिंग टाइम होता है। हाँ। स्पेयर इंच पे। हाँ। कि कितना डायमीटर ज्यादा है इसके हिसाब से। हाँ। फिर उसको हम ऑयल पिंचिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मेटाक्विंच 42 जो इंडियन पेट्रोलियम का ऑयल आता है, इसमें हम हार्डनिंग करते हैं। एक मिनट, और चलते चलते बातचीत करते हैं कंपनी। हाँ। को टूर कराते हुए कि किस तरह से कंपनी में काम होता है। ये हमारा ऐसे बंधा जाता है। हाँ। जैसे हम एक मिनट वहाँ सबसे पहले आगे जो बांधा जा रहा है, सबसे पहले इसमें लोहा जो आते हैं जो भी चीज हार्डनेस करने के लिए, उसको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से इसको हार्डनेस किया जाता है। सबसे पहले जो आता है, कोई भी मटेरियल आता है कोई भी कंपनी का, वो सबसे पहले इस तरह से आता है, इस तरह से। उसके बाद इसको छर में इस तरह से लपेटा जाता है ना? हाँ। अभी देखिए ये लोग लपेट भी रहे हैं। देखिए ये लोग लपेट रहे हैं, और ये लपेट कर तयार कर चुके हैं। ये कौन सा मटेरियल है, किस चीज में ये यूज होता है? ये 3x3 मटेरियल है। अच्छा अच्छा। और ये सब गेयरिंग, हाँ, दाता गेयरिंग्स में उपयोग होता है, गियर बॉक्स है, ऐसे में ये उपयोग होता है। अच्छा सर, कोई भी मटेरियल आता है आपके पास गर्म करने के लिए, उसको हार्डनेस करने के लिए, तो उसको पहले तो टेस्ट किया जाता होगा कि कितना वो हार्ड है, उसके बाद वो नहीं, हमारे पास क्या है, पार्टी का रो मटेरियल, वो मशीनिंग करके हमारे यहाँ से लाते हैं, वो रो मटेरियल होता है। हाँ, हाँ। उसको हम हार्डनिंग करते हैं। हाँ। फिर ये पक्का होता है। हाँ। और उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले तो इतना चेक करते होंगे आप, उसको टेस्ट करते होंगे नहीं? वो टेस्ट करके लाते हैं भाई कौन सा मटेरियल है वो। हाँ। वो बोलते हैं हमको भाई एन 8 है, एन 9 है, एन 24 है, 3x3 करके देते होंगे। हाँ, हम उसको टेस्ट करके देते हैं भाई उसने जो। देखिए मशीन है, वो भी टेस्ट करने वाला मशीन है। एक मशीन मैं दिखला रहा हूँ आपको, ये टेस्टिंग मशीन है। और थोड़ा करीब लाइए, कांटा के पास लाइए। और देखिए एक लोहे है, इस पहले आप देख लीजिए, इसको टेस्ट किया जाएगा कि ये जो है कितना हार्ड है। अभी सर टेस्ट करके बताएंगे, थोड़ा कांटे लाइए। और देखिए ये दिख रहा है, कांटा आ रहा है, अच्छा से दिख रहा है। अब देखिए इसको इसमें टच करेगा, ऊपर में हाँ उस टच कर गया, और उसके बाद इधर से घुमाएंगे। देखिए कांटा घूम रहा है। हाँ, अभी टेस्ट सेट होता है। हाँ, 150 kg पे लोड होता है उसका। हाँ, हार्डनेस चेक कर, ये HRC चेक होती है इसमें। हाँ, ये हार्डनेस टेस्टर मशीन है। अच्छा, HRC चेक कर इधर, इधर इधर घुमाने के बाद चेक होता है ना? ये लोड देना पड़ता है। अच्छा, लोड, ये लोड, हाँ, लोड है, ये 150 kg लोड है। 150 kg का लोड पड़ा है इस पर, उसके ऊपर 150 kg का लोड है, इस पर 150 kg का लोड पड़ गया। हाँ, अच्छा ये हो गया पूरा बराबर। हाँ, देखो ये लोड कम, ये 64 की HRC है। हाँ, 64 की HRC बता रही है इसमें। अच्छा अच्छा, यानी कि ये कितना वजन सह सकता है। हाँ, बराबर, ये हार्डनेस कितनी है वो बताती है, कितना हार्डनेस इसका। अभी ये पार्टी समझो इसमें मांग रही है 58। हाँ, उसको हम टेम्परिंग करेंगे। अच्छा, टेम्परिंग और डाउन करेंगे। हाँ, फिर चेक करेंगे। अच्छा अच्छा, फिर पार्टी को हमारा रिपोर्ट देंगे बना के। चलिए भाई, इसमें आपकी HRC इतनी है। चलिए और भी पार्ट दिखाते हैं आपको, यहाँ पर सारे पार्ट आते हैं। ये देखिए, ये जो बराबर सब ये दिख रहा है आपको मोटे से लोहे का, ये जो है ये घन, ये लाइनर है, ये लाइनर है। ये नहीं, ये रेलवे की आइटम है। ये रेलवे का आइटम है। हाँ। अच्छा, वो भी सामान आपके पास आता है, आता है हार्डनेस करने के लिए। हार्डनेस करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये रेलवे का वो चल, किसी पार्ट होगा उसका, रेलवे का है। अच्छा, और ये क्या है सर? ये सोना चांदी का तार है। ये सोना चांदी का तार बनाने वाला। हाँ, तार बनाने का, बड़ा तार होता है डायमीटर का। हाँ। छोटा डायमीटर करता है। देखिए ये जो है, थोड़ा करीब लाके दिखलाइए इसको। आप सोने चांदी का तार पहनते हैं होंगे,
उसको इसी डाई में तैयार होता है। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर ये मोटा तार आता है, उसके बाद ये घूमते 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 यहाँ पर पतला निकलता है, एक पतला सा तार निकलता है जिसको आभूषण बनाया जाता है। ये भी वही है क्या? हाँ वही है, ये छोटा डायमीटर है, बड़ा डायमीटर है, ये बड़ा मशीन का है, छोटा मशीन। चलिए अब आगे घूमते हैं, आगे चलते हैं कंपनी में और वहाँ पर दिखाते हैं आपको। अच्छा कुछ और है क्या? ये गियरिंग्स है सर। अच्छा ये गियर है, रहने दीजिए एक ही से काम चल जाएगा। ये गियर है, जो गियर आप देखते होंगे कोई मशीन में आप देखे होंगे इस गियर का, हेलिकर गियर है। हाँ ये तो अभी सॉफ्ट होगा। हाँ सॉफ्ट है अभी। आप इसको हार्ड करेंगे? हाँ उसको हार्ड करेंगे हम। अच्छा चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से अब हार्ड किया जाता है वो मैं आपको बतलाता हूँ और सर बताएंगे अभी। हाँ ये क्या है? ये फार्मास्यूटिकल का पंच है। अच्छा हाँ ये फार्मा का? हाँ ये टैबलेट। अच्छा टैबलेट है। हाँ। यानी कि जो आप दवा यूज करते हैं टैबलेट के रूप में वो यही ये सांचा उसका, यानी फार्मा फार्मा है। इससे नीचे ऐसे होगा तो टैबलेट के रूप में ये आएगा। दो साइज का आता है, अपर लोअर आता है, ये बड़ा वाला डाई आती है, ये बड़ा वाला टैबलेट होता है, यानी कि जानवर का लगता है, जानवर का दवा बनता है उसकी उसकी है। अच्छा अच्छा ये डाई है, इसको डाई भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, यानी कि सब तरह का इनके पास मटेरियल आते हैं जो भी मशीनरी सामान में यूज होता है उसका भी, और उसको ये हार्डनेस करते हैं। हाँ क्या है? और ये छोटा वाला पंच है। अच्छा ये बड़ा वाला था। अच्छा ये भी कैप्सूल का ही है। एक कैप्सूल पंच है, पकड़े रहिए। अच्छा ये पूरा है, तीन है। हाँ। तीन तीन के साइज में। ये देखिए ये भी डाई है और इस डाई से ही दवा बनाया जाता है, दवा का डाई है। इसको देखिए लंबा वाला कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं कोई भी बीमारी में, अगर जो बहुत सारे दवा बनता है उसका ये डाई है, इसी डाई से होता है। तो ये बहुत हार्ड किया जाता है ताकि डाई खराब ना हो बार बार ठोकर पड़ने के कारण। तो आगे चलते हैं और भी देखते हैं सर। ये सब जो ऑयल है ये क्या है, पानी है या ऑयल है? ये पानी है। अच्छा वो पानी है, पानी दिखाइए, वो पानी है। हाँ। और ये काका चालू करो, ये ऑयल है। अच्छा अच्छा वो क्या हुआ? ये क्या है, पानी घुमा रहा है। अच्छा पानी घूम रहा है। हाँ दिखाइए पानी को, ये पानी घूम रहा है तो क्या है, हार्डनेस इक्वल मिले इसके लिए लोहे डाल देते हैं, इसमें लोहा डाल देते हैं। अच्छा सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले वो जो इस तरह से बना करके इसको इस भट्टी में डाल दिया जाता है। हाँ, इसमें डाल देते हैं, उसका सोकिंग टाइम रखते हैं हम उससे सेक्शन के हिसाब से। अच्छा अच्छा। और मटेरियल के हिसाब से टेम्परेचर रखते हैं, ई एन सीरीज का होता है तो 860-870 रखते हैं उसका सोकिंग टाइम रहता है सेक्शन के हिसाब से, फिर हम ऑयल पिंचिंग करते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। फिर ऑयल पिंचिंग होता है, इसमें हार्ड हो जाता है, इसमें हार्ड हो जाता है। हाँ तो मैक्सिमम जो हार्डनेस है वो इसमें आती है। फिर पार्टी के हिसाब से हम आपको दूसरे प्लांट में बताते हैं टेम्परिंग का। आगे दूसरे भाग में चलते हैं, आगे चलते हैं और देखिए कंपनी का ये आगे का पोर्शन है इधर। ये हमारा ये क्या है, वॉश करने का है। अच्छा ये भूसे में, हाँ भूसे में साफ कर देते हैं, लकड़े के भूसे में। हाँ लकड़े के भूसे से साफ कर देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर साफ करने के बाद इसमें ले आते हैं। हाँ और ये हमारे इलेक्ट्रिक फर्नेस है। ये इलेक्ट्रिक है? हाँ ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक से हार्डनेस और हार्डनेस कम करते हैं, ज़्यादा और कम इसमें करते हैं इलेक्ट्रिक से? हाँ इलेक्ट्रिक से। अच्छा ये पार्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हम टेम्परेचर रखते हैं, उसका सोकिंग टाइम रखते हैं। अच्छा फिर इसमें टेम्परिंग, उसको टेम्परिंग बोला जाता है। अच्छा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीन फर्नेस है हमारी टेम्परिंग की। अच्छा अलग अलग टेम्परेचर की। इस तरह से लोहे को जो है सॉफ्ट से हार्ड किया जाता है, अगर हार्ड भी अगर आपके पास आता है तो उसको सॉफ्ट भी कर देते होंगे? हाँ सॉफ्ट भी हो जाता है। हाँ हार्ड आ गया तो सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट कर दे, कोई समझो मशीनिंग में कोई भूल गया होगा कि अभी इसमें होल आटे गिरा ना गया, भूल गया है। हाँ, हाँ। तो हम उसको सॉफ्ट करके देते हैं, फिर ये होल आटा गिरा के ले आता है, फिर भी हार्ड कर दे। ये दो तीन बार प्रोसेस हो सकती है एक मटेरियल में। अच्छा अच्छा चलिए। ये फार्मास्यूटिकल का कैम है। अच्छा अच्छा। हाँ इसमें क्या होता है, इससे ये मशीन का पार्ट्स है वो लगता है। अच्छा फार्मा में सब जाता है, फार्मा वाला मशीन में। चलिए ये रख, यानी कि इनके पास मशीन के तरह तरह के मशीन जो बनाए जाते हैं उसके हर छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्ट को ये सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड और सॉफ्ट दोनों का काम करते हैं। अब देखिए ये कुछ और बना दिखा रहे हैं, ये स्क्रू है छोटे छोटे वाला, छोटे छोटे स्क्रू। और ये गर्म है? हाँ ये स्क्रू है, स्क्रू है एलन के स्क्रू। हाँ तो इसको भी ये अभी हार्ड हो चुका है, हार्ड हो चुका है, अभी तो गर्म है। हाँ ये हार्ड हो चुका है और ये जो है ना घन मारने से भी नहीं टूटने वाला है और घिसाएगा भी नहीं, घिसाएगा भी नहीं, आटा भी घुसाएगा नहीं, ये लॉन्ग टाइम चलता है लॉन्ग हार्डनिंग करने के बाद। अच्छा अच्छा। तभी तो इतने मशीन जो होते हैं बड़े बड़े मशीन को पार्ट पुर्जा को बहुत देर तक चलाने का एक क्षमता होता है। और ये बाकी इधर इनका ऑफिस हो गया,
अच्छा पाना है, पाना हाँ अच्छा ये पाना है रिंच, सिस पाना बोलते हैं उसको, सिस पाना बोलते हैं खोलने का। अच्छा अच्छा इसे क्या चीज खोला जाता है? एक जो ग्राइंडिंग मशीन होता है ना हाँ, हाँ। उसका वो व्हील खोलने के लिए अच्छा, ये हाँ यूज होता है। उसको भी देखिए हार्ड किए होंगे ना, हाँ उसको हार्ड किया, खराब ना हो। हाँ चलिए आप बहुत तरह तरह के औजार को हार्डनेस करते हैं। ये पार्टी का है, पार्टी ने ये इस पोर्शन में हार्डनेस मांगी हुई है, सिर्फ इस पोर्शन में। हाँ ये पेल ना घिसा जावे इसके लिए। अच्छा तो मैंने इतना हार्ड किया हुआ है। अच्छा और ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। हाँ ये पार्टी मशीन में फिट करेगी, फिर बाद में उसको यहाँ होल आटा गिराएगी। अच्छा अच्छा फिटिंग करने के बाद। तो ये सर तो ये काम बहुत मुश्किल हो गया होगा आपको। हाँ ये क्या है, छोटा छोटा जॉब होता है तो ये इतना इतना पोर्शन ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उतना ही हिसाब से गर्म किया जाता है। ये वजन काटे का ब्लॉक है, वजन काटे का हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक वजन होता है हाँ, ये उसका ही लोड से रहे, लोड सहने के लिए हार्डनेस किए गए हैं ताकि कितना भी प्रेशर पड़े तो खराब ना हो। आगे तो ये आपको दिखलाए, इनके पास बहुत सारे जो होते हैं पार्ट पुर्जा हार्डनेस किया जाता है। अब ये देखिए ये कुछ और दिखला रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है सर? ये भी ग्राइंडिंग मशीन के जो प्लास्टिक धरने की जो ब्लेड आती है ना हाँ, हाँ, वो ब्लेड है। अच्छा अच्छा हाँ तो इसको भी हार्ड करते हैं, उसको भी हम हार्ड करते हैं हाँ। ये D2 मटेरियल है। अच्छा अच्छा ऐसे सर आपके पास अगर कोई हार्ड करवाने आना चाहे तो उसको किस भाव में आप हार्ड करवाते हैं, यानी कि रेट क्या है आपका? रेट ऐसा होता है, क्वांटिटी माल दे तो ऐसे रेट होता है और छोटा छोटा माल दे तो नंग पे होता है। अच्छा नंग पे, नदर वजन पे होता है। वजन पर तो किस वजन में आप अभी? वजन पे ऐसा है कि 15 रुपए पर केजी लेके 50 रुपए पर केजी तक चलता है, 15 से 50 के। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि भाई 31 है, D2 है, ऐसे अलग अलग मटेरियल के हिसाब से भाव होता है। ऊंचा हाई टेम्परेचर वाले का भाव अलग होता है, लो टेम्परेचर वाले का भाव अलग होता है। अच्छा तो एक चीज और कि आपको इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये हार्डनेस कम? गुजरात तो पूरा इधर हमारे यहाँ आता ही है, पूरा गुजरात आप ही के यहाँ? हाँ अच्छा। और कोई कोई हमारे यहाँ से बॉम्बे से भी आता है। अच्छा हाँ अच्छा। कोई ऐसा पार्ट्स हो कभी पर्टिकुलरली के भी उसको कराना ही पर्सन भाग और वो नहीं कराना तो ये सभी आता है। बाकी गुजरात तो पूरा आता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा तो ये हार्ड करते हैं छोटे छोटे पार्ट को, जो पार्ट को भी मैंने दिखलाया आपको, और भी कुछ दिखला रहे हैं। ये रेलवे का बोल्ट है। अच्छा हाँ इसको मैंने देखा है, ये रेलवे का बोल्ट है, आपने भी कहीं देखा हुआ इस बोल्ट को? ये आटा बाद में गिराएंगे, शायद पटरी में रहता है। हाँ पटरी में रहता है और टेंसाइड वाला बोल्ट बनाते हैं, इसके लिए इसमें परफेक्ट हार्डनेस चाहिए। इसको भी आप हार्ड कर दीजिए हाँ, ताकि जल्दी खराब ना हो, खराब ना हो आटा, खराब ना हो, टूट भी ना जावे हीटिंग के बाद हाँ। तो ये इनके पास हार्डनेस करने का भट्टी है और इसी भट्टी में ये सॉफ्ट लोहे को हार्ड करते हैं और हार्ड लोहे को सॉफ्ट करते हैं, जिसको मैंने आपको दिखलाया। अभी मैं गुजरात के अहमदाबाद सिटी के एक स्टेट में हूँ, इस स्टेट का नाम है कौशल्या स्टेट है ना, इस स्टेट का क्या नाम है? यमुना स्टेट। यमुना स्टेट सिटी एम, अभी यमुना स्टेट में हूँ और यमुना स्टेट का एक इनका यहाँ पर कारखाना है, जो जहाँ पर ये भट्टी लगाए हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह के पार्ट पुर्जे को सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड और सॉफ्ट किया जाता है। आपको यह देख करके कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और लोग इसको इसके बारे में जान सके। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के यमुना स्टेट से। नमस्कार, जय हिंद।